press the bell icon on YouTube and don't miss another update. It's my pleasure to bring to you Amir Rabbani, the winner of the Inside Out Award, the first LGBTQ National Award for the Visual Arts. Amir won it for 2019. He's an incredible young artist who has incredible amounts of humanity, depth of character, and a rare humility that makes him this incomparably and peerlessly brilliant human being who's also just an incredible artist. So as I talk to him, you'll get to know what makes Amir tick. So join me in welcoming Amir Rabbani to my video series. Amir, the painting that I see here, I see dining chairs, I see bright, beautiful color, and I see these squiggles. आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पेंटिंग में बताइए और मुझे अपनी कहानी भी बताइए. आप कहाँ के हैं, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों आए हैं? Why are you here? Why are you in Delhi? And what makes you tick? And tell us about you and where you are from. Hi, Suvir. मैं मुजफ्फरपुर सिटी से हूँ, जो कि बिहार स्टेट में है. मैं दिल्ली 10 साल पहले आया था एनिमेशन सीखने, और उसके बाद 3 साल के बाद मैंने जामिया में एडमिशन लिया फॉर फाइन आर्ट्स. और जो मेरी रीसेंट पेंटिंग आप देख रहे हैं, द डाइनिंग, एक मेमोरी है जब कोरोना टाइम में जब हम बाहर नहीं जा रहे थे खाना खाने, और हम हर दिन एक ही जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और वो टाइम को मैंने कैप्चर किया है. So Amir, thank you for telling us about Muzaffarpur, the small town in Bihar, and that you came there to study animation and then went to Jamia Millia Islamia. How incredible is that? So you've gone to a great art school and your painting is all about quarantine dining and the story it tells about eating at the same place again and again, and contextualizes it for the viewer. Now tell us about this second painting that's about shirts in two sizes. I'm very curious. Aap isme kya dikhana cha rahe? What are you wanting to tell us? Because the colors, your mastery of colors is evident, but you're telling us some story. Ye kahani aap kya batana cha rahe do kameezon se, bataiye. To ye jo shirt wali painting aap dekh rahe hain, isme do size hai. Ye bata raha hai ki hum kisi se pyar karte hain to size matter nahi karta, na hi age matter karta hai. Aur aap प्यार में है तो एक दूसरे के साथ है, यही बहुत है. तो ये शर्ट एक दूसरे के साथ है, मैटर नहीं करता कि वो साइज क्या है. सो थैंक यू फॉर दैट आमिर. यू नॉट ओनली आर यू एन आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट ही नहीं हैं, आप तो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं. आपने हमें बताया कि जब प्यार में दो लोग होते हैं तो साइज नहीं मैटर करता, दैट डजंट मैटर व्हाट साइज यू आर व्हेन यू आर इन लव विद ईच अदर. यू हैव टोल्ड अस अबाउट दैट एंड दैट लव इज बियॉन्ड शेप एंड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड एज. सो थैंक यू फॉर दैट. ये जो आपकी तीसरी पेंटिंग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें आपने कपड़े टांगे हुए, कपड़े सुखाते हुए शायद बाहर बिल्डिंगें दिखाई हैं. यू हैव शोन अस क्लोथ्स हैंगिंग आउट इन द ओपन स्ट्रीट. And you're saying something there. What is it that you're sharing here? Please tell us. Amir, bataiye. ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं जिसमें कपड़े बाहर टंगे हुए, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सारे कपड़े जो है वो पेयर में हैं. वो बहुत अलग है जो हम जनरल सोसाइटी में देखते हैं. जनरल सोसाइटी में आप किसी फैमिली के बालकनी में कपड़े देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे एक लड़का और एक लड़की, नॉर्मली जो हम देखते हैं हेट्रोसेक्सुअल फैमिली के. लेकिन जो मैंने बनाया है उसमें आप देखेंगे कि दो पेयर ऑफ जीन्स और दो पेयर ऑफ शर्ट. तो वो दिखाता है कि हम ऐसे सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं जहां दो लड़के भी साथ रहें, और ये तभी शुरू होगा जब हम सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखेंगे. अमित, दैट्स वेरी पावरफुल. बहुत आपने बड़ी बात बोली कि हम लोगों को दिखानी चाहिए वो चीज़ें जो दिखी नहीं है पहले सोसाइटी में, पर होती रही हैं हमेशा से. क्या आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान बदल रहा है और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है ऑफ द अदर, अदर कास्ट, रिलीजन, सेक्शुअलिटी, चेहरे का लुक्स, गोरा काला, वो सब चीज़ों में हम और एक्सेप्टेंस देख रहे हैं या नहीं?
एक्सेप्टेंस एक दिन में तो नहीं आता, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो धीरे धीरे आएगा। और जैसे इतने सालों में इतना कुछ बदला है, शायद आने वाले टाइम में और भी कुछ बदले। So it was a joy for me to have Amir Rabbani come talk with me. So you can now know about an artist and what he thinks and how he thinks in his mind about the work he shares with us visually. Amir ne jo hame dikhaya aur kaha aur sunaya, usme hame ye pata chalta hai ki ek society tabhi ek mahatvapurn, ek important society ho sakti hai jab hum apne comfort zone se aage jaye. He's told us that those clothes that he hangs are of the same size because they might be of the same gender and may break from the heteronormative society to a more inclusive society where gay and straight matter equally, where gay people find representation, where age doesn't matter and who you love and how you love. So I'm grateful to Amir Rabbani. Main unke liye unka shukrgazar karta hoon. Unke liye main bahut grateful hoon ki unhone hame sikhaya ki love kaise karte hain, society sasabhya kaise hoti hai, एंड कैसे वो छोटे शहर के हैं पर बड़े शहर में बड़ी बातें सोचते हैं। ही मे बी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बट ही थिंक्स ग्रेट बिग थिंग्स इन अ ग्लोबल परस्पेक्टिव एंड अबाउट इंक्लूसिविटी एंड टुगेदरनेस। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू आमिर स्टोरी एंड आमिर थैंक्स फॉर बींग विद मी ऑन स्लाइस ऑफ लाइफ।